सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्रॉइड प्रो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके फोन के अंदर एक सेटिंग होता है जो कि एसेसिबिलिटी नाम से होता है। दोस्तों, आपके फोन में कंपनी वाले ये एसेसिबिलिटी सेटिंग क्यों देता है आप सबको बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन आज के इस वीडियो का आप सब ध्यान से देखते हो तो आपको आपके फोन के अंदर छिपे हुए इस एसेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर चार ऐसा खुफिया ट्रिक देखने को मिलेगा, खुफिया राज देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद यदि आप अपने फोन में ये सेटिंग फीचर कर लेते हो तो आप एक साथ अपने फोन पर मल्टीपल कामों को कर सकते हो। इसीलिए कहता हूं कि आज की वीडियो को ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि ये चार सेटिंग जो फीचर बताऊंगा ये आपके मल्टीपल कामों को एक साथ करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ ही बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको ना लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे। सबसे पहले आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस एसेसिबिलिटी के अंदर छिपे हुए चार खतरनाक ट्रिक के बारे में जान सके, खुफिया राज के बारे में जान सके। और साथ साथ ही आपको पसंद आया तो आपको कमेंट में लिख देना है बेस्ट एसेसिबिलिटी सेटिंग ट्रिक। तो चलिए देर किस बात की, हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने वीडियो से बनाने में बता दिया था आपको, इसमें मैं एसेसिबिलिटी का चार खतरनाक खुफिया ट्रिक बताऊंगा, जिसके बारे में यदि आप सब जान लेते हो तो आप एक साथ आप मल्टीपल काम कर सकते हो। तो चलिए वो ट्रिक क्या है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो इस चीज के लिए सिंपली आपको करना है कि आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। तो सेटिंग में आओगे तो आपको कुछ लाइक कुछ इस तरह से आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर की ओर पूरा स्क्रॉल करना है तो आपको अपने फोन में एक सेटिंग देखने को मिलेगा जो कि एडिशनल सेटिंग के नाम से होता है। हर एक चीज को आपको ध्यान से देखना है, तो आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाता है आपके फोन के अंदर एसेसिबिलिटी जो कि देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, एसेसिबिलिटी सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आप नॉर्मली से यहाँ पर पहुंच जाते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहला ट्रिक की ओर। तो ये देखिए पहला ट्रिक क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा मेन्यू, जो कि देख सकते हो आपके कुछ यहाँ पर है। तो करना क्या है, इसे ध्यान से देखिए, आपको एसेसिबिलिटी मेन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं इस सेटिंग को ऑन करने से पहले मैं इसका फीचर बता देना चाहता हूँ कि इसका यूज आप कहाँ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे फोन का ये जो पावर बटन है और ये जो वॉल्यूम बटन है, ये क्या होता है कभी कभी काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, मतलब कि वॉल्यूम बटन काम नहीं करता और पावर बटन काम नहीं करता है। तो उस वक्त क्या करते हो, आप जाते हो दुकान, मतलब कि फोन को ठीक करने के लिए, जहां पर कि आपको अच्छा खासा पैसा है। लेकिन आपको ये फैक्ट, मतलब कि ये वाला ट्रिक जो बताऊंगा, इसके बारे में जानने के बाद आप सबको भी लगेगा कि वाह यार, ऐसा सेटिंग है मेरे फोन में और मुझे पता भी नहीं है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसको आपको क्या करना है, आप जैसे ही आइएगा एसेसिबिलिटी मेन्यू में आपको इस पर क्लिक करना है, ये चीज को आपको चालू करना है। तो चालू करके इसे, मतलब कि ऑन करके इसे जैसे ओके कीजिएगा तो आपके फोन के यहाँ कुछ कोना में आपको एक ह्यूमन टाइप का फोटो आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या करते हैं, अब देखिए ये चीज हो गया चालू, अब देखिए इसका क्या यूज है। जैसे मान लीजिए आपका ये वॉल्यूम बटन पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो अब करना क्या है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा, जब भी यूज करना है, देख लीजिए, जब भी यूज करना है इसे कर सकते हो। तो देख लीजिए, इससे वो सारे काम कर सकते हो जो कि आपका एक वॉल्यूम बटन और पावर बटन करता है। तो कैसे, देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए पावर का बटन दिया है जहां से आप स्विच ऑफ कर सकते हो, और भी देखिए आपको वॉल्यूम करना है ज्यादा या कम, तो यहाँ से आप ज्यादा या कम कर सकते हो, देख सकते हो। और यदि आप रिसेंटली ऐप को देखना है तो आप देख सकते हो रिसेंटली सब फीचर इसमें दिया हुआ था है जो कि आपको जरूरत होता है। और इस पर क्लिक करते हो तो ब्राइटनेस बढ़ाने का भी यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ था है। आपको लॉक को स्क्रीन करना है, स्क्रीन को लॉक करना है तो आप स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरह से। आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। नोटिफिकेशन को देखना है, नोटिफिकेशन, सारा फीचर दिया हुआ था आपके ये पावर बटन और वॉल्यूम बटन का। तो इस तरह से पहला ट्रिक का यूज करके आप ये वाला सिस्टम का यूज कर सकते हो। और इसे आप बंद कैसे कर सकते हो, सेम उसी प्रोसेस के साथ आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग में, एसेसिबिलिटी में, फिर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, आपको जहां पर आए थे इस को एसेसिबिलिटी मेन्यू, इस पर क्लिक करना है, इसे बंद कर देना है। तो नॉर्मली ये बंद हो जाएगा, देख सकते हो बंद हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड ट्रिक की ओर, जिसे आपको ध्यान से देखना है। सेकेंड ट्रिक भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ये पूरा डिस्प्ले को चेंज करके रख देगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर सेकेंड। तो इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे आयोगे
ऐसे एडिशनल सेटिंग में आना, इस पर क्लिक कीजिए, एसेसिबिलिटी मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आपके फोन में देखने को मिल जाता है जो कि आपके फोन में कलर कलेक्शन के नाम से होता है। तो देखिए इसका फीचर क्या है, बहुत तगड़ा सा है, एक अलग सा है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है कलर कलेक्शन, मतलब कलर का चुनाव। यहां पर देखिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसका फीचर बहुत अच्छा है यार, देख लो। पहले आपको मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए अभी मेरा ऐप कैसा है। लेकिन देखिए इस चीज को ऑन करूंगा तो क्या होगा, कलर कलेक्शन होगा। देख लीजिए मैं यहाँ पर आया, इस चीज को ऑन किया तो आपके सामने ये वाला कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कलेक्शन मोड। आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए तीन ऑप्शन आएंगे कलेक्शन मोड। देख लीजिए आपका पहला आएगा ये जो है, इसमें रेड ग्रीन रहेगा और इसमें रेड ग्रीन और इसमें भी आपका होता है ब्लू येलो। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर रेड ग्रीन करता हूँ, तो जैसे ही करूंगा और मैं पूरा बैक आता हूँ, देखिए कुछ इफेक्ट तो आपको देखने को जरूर मिलता है, पुराना टाइप का हो चुका है। और मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं दे देता हूँ इसे ब्लू येलो में। जैसे ही दिया तो देखिए कुछ अलग सा हो गया, मतलब कलर कलेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। देख सकते हो पूरी तरह से ये चेंज कर दिया हमारे फीचर को। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। वैसे इसे बंद करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, सेटिंग में आना है, एडिशनल सेटिंग में आना है और एसेसिबिलिटी में आना है। आइएगा फिर आपको मिल जाता है कलर कलेक्शन, इस पर आइए और इस चीज को आप यहां से बंद कर सकते हो। देख सकते हो इसे चालू किया, आप देख सकते हो अलग ही तरह का कलर फिर से हमें देखने को मिल जाता है। तो देख रहे हो ना कितना ज्यादा कूल सा है। तो इसे बंद करने के लिए सिंपली आप यहां पर आ जाइए सेटिंग से, आप यहां से इसे बंद कर सकते हो। बंद कर दोगे तो फिर नॉर्मली फोन आपका जैसा था वैसा ही देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हो। तो ये हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमें तीसरे ट्रिक की ओर। तो तीसरा ट्रिक क्या है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो तीसरा ट्रिक क्या है, इस चीज के लिए सिंपली आपको करना क्या है, सेटिंग में आना है, फिर आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। एडिशनल सेटिंग में जैसे आते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एसेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेस पावर, यहां पर देख लीजिए प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल। ये सामने वाले बटन को यदि आप ऑन करते हो तो इसका क्या फायदा है, देख सकते हो यदि आपके फोन पर कॉल आता है तो आपको उसे रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ता है रिसीव पर, तब फोन रिसीव होता है। अगर उसे कट करना होता है तो आप कट पर क्लिक करते हो तब कट होता है। लेकिन आप ये सेटिंग जैसे ही ऑन करेंगे तो इसका क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूँ। फोन जैसे आया तो अगर आप इसको एक बार क्लिक करते हो तो आपका फोन का जो है ना वो कट हो जाएगा। अगर इसे नहीं एक बार आप क्लिक करते हो तो आपका फोन रिसीव हो जाएगा, और आप जब जैसे ही दो बार आप क्लिक करोगे तो क्या होगा आपका फोन है ना कट हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके आप एक शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा ट्रिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आखिरी और चौथे ट्रिक की ओर, जो कि आप सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो इस चीज के लिए सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, फिर आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आइए एसेसिबिलिटी में, ऐसा तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट टू स्पीक, देख सकते हो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए अभी इसे ऑन करना है, ऑन जैसे कीजिएगा ओके कीजिएगा तो फिर आपके सामने ह्यूमन टाइप का आ जाएगा। ये वो वाला सेटिंग नहीं, इसका सेटिंग का यूज अलग है। तो कैसे देख लीजिए इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इसके जरिए आप क्या कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है, कहीं सारा कहानी देखना पड़ता है, आर्टिकल देखना पड़ता है। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र पर आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका बहुत सारा आर्टिकल आता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, मैंने ये सर्च किया हिस्ट्री ऑफ पिज्जा, पिज्जा का आ गया सारा हिस्ट्री। तो आप देख लीजिए, बस इसका मैं यूज बताता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए और आप इस पर सिलेक्ट कीजिए हिस्ट्री ऑफ पिज्जा, भारत में पिज्जा की कब शुरू हुई थी, पहली बार किस शहर के। आप देख सकते हो ये ना आपको खुद पढ़ के सुनाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी आपको पढ़ के सुनाएगा। आपको मान लीजिए आपको कुछ व्हाट्सएप में पढ़ना है, ये चीज देख लीजिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यानी कि ये इसके लिए ना आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ये आपके फोन में खुद ये फीचर दिया होता है, मतलब फोन का डेवलपर ही दिया होता है ये सिस्टम। तो ये चीज यूज करके आप एक हिस्ट्री को ना सुन सकते हो, ये आपको खुद पढ़ के सुनाएगा। तो इस वीडियो में बस यही चार ट्रिक था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप हर एक ट्रिक को सही ढंग से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ
बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सेट करें ताकि आपको नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे। सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जाने, और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट अगेन, बाय बाय।